मेरे साथ में बहुत सारी महिलाएं जो कि दुखी हैं, चूल्हा चौकी ने चोट के अपना घर का काम ने छोड़ गए, वह जिला सचिवालय जींद में पहुंची है, के कारण में पहुंची है, क्यों पहुंची है, क्या समस्या उनकी है, आप देख रहे हैं खास मुद्दे की खास पड़ताल। मैं हूं रिपोर्टर विजेंद्र मान, देख सकते हैं मेरे साथ में ये महिलाएं मौजूद हैं। नमस्कार जी, क्या समस्या? सर मैं कंडेला गांव में ब्लॉक समिति मेंबर हूं और मैं इन मेरे गांव की महिलाओं को लेकर यहां डीसी ऑफिस में पहुंची हूं। इनके कुछ है के तो राशन कार्ड कट गए और कुछ है को इनको तेल नहीं मिल रहा, किसी को गेहूँ भी नहीं मिल रहा, कोटे में जाते तो कहते तुम्हारा नाम ही को नहीं और वैसे राशन कार्ड निकल रहा है, अभी इनकी यही समस्या है, बताओ हम क्या करें। जो आपका राशन कार्ड है जबकि मैं नहीं मिलता तो राशन कार्ड फिर दुगुना बन के रह जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा हमारे साथ, तो हम क्या करें बताओ। सरकार से हम यही कहने आए हैं डीसी साहब से कि भाई हमारा कोई समाधान। आपने ये डीसी साहब को दिया है राशन कार्ड कटने के बारे में प्रार्थना पत्र? उपायुक्त महोदय जी सभी ने निवेदन है कि हमारे राशन कार्ड कट गए हैं, आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे राशन कार्ड दोबारा से बना जाए, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, कृपया हमारे राशन कार्ड दोबारा बना जाए। जब आपने कि मैं मिलता तो हो ही नहीं, फिर दोबारा क्यों समस्या बढ़ाने लग रहे हो? कागज फालतू के करा जिन्हों है उम्मीद था बैठे हैं क्या कि मैं इनके में आप अपने मुंह से कहने लग रहे हो हमने कि मैं मिलता नहीं आता राशन कार्ड में मिला कि नहीं ना तेल मिलता ना चीनी मिलता झूठ बुका के हमारे क्यों भी राखी के चीनी भी राखी के तेल भी ओ तरीका इतना भला इतना बड़ा गरीबों का क्यों करके टाइम पास होगा जी मार कुछ भी को ना फूड लगदी बार ना को नहीं क्यों करके करा हम के खावा राशन कार्ड को आ तो खूड वाले भी परेशान है। हां मैं भी परेशान है जी, हमार सही को नहीं जमाई देखने लाग रहे को बूंद ऊपर तक पड़ती नहीं और ऊपर तक बूंद नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, सारे भूखे मरेंगे, सारे भूखे हूं भी मरा जी कि मैं करेंगे जी वे बनाएगा राशन कार्ड आज के कहना चाहोगी तो समस्या बहुत लंबी होगी। हां जी बहुत लंबी समस्या है, हम सरकार से ये कहेंगे या तो इनके बेचारों के राशन कार्ड जमाए ना बढ़ावे, उम्मीद ही छोड़ देंगे और नहीं तो कम से कम जिन के बन रहे उन तक कुछ मिल तो जावे, नहीं तो अपना सबके काट दो बात ही खत्म, बाकी अपना मजदूरी कर रहे हैं करते रहेंगे और क्या। अनुपात तो कौन देखनी पड़े राशन कार्ड वाले आओगे वो हम बनवावांगे करा के बताओ राशन मिलेगा। पाँच पाँच किले है उन्हें तो राशन मिल रहा है, जिसका एक खुद भी नहीं है बेचारे मजदूरी कर रहे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा, अच्छा उनकी तो समस्या बढ़ रही है, उसके सारा चूल्हा चल रहा था जिसका राशन मिल जाता था, इन्हें राशन नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, मजदूरी मिलती नहीं है तने पता ही है इसमें तो काम चलता ही नहीं है, कदे मिल जाए कदे नहीं मिलती इसमें कैसे काम चलेगा। अभी जो मेरे यहाँ जोड़ के प्रार्थना है कि इनके सबके राशन कार्ड बनाए जाए, जो इन्हें मिलना चाहिए वो इनको मिलना चाहिए। अभी जो आप यहाँ से मतलब उपायुक्त डीसी साहब से मिलने गए थे, डीसी साहब ने आपको क्या मतलब आश्वासन दिया है इस बारे में? डीसी साहब ने हमें कहा है कि एडीसी से मिलो वही आपका काम करेंगे। एडीसी से मिले फिर दोबारा? नहीं अभी जा रहे हैं मिलने जा रहे हैं। अभी एडीसी के मतलब आपको एडीसी के पास जाना है? हाँ जी। हाँ जी क्या कहना चाहोगे? राशन कार्ड कट गया है, मजदूरी कर रहे हैं, ये क्यों कट गया? फिर कोई आन जाने भी नहीं होंगी के करा जी आप देख सको पैरा में कुछ भी नहीं है, पैरा में दम नहीं है, पैर भी बेचारी का खत्म है, फिर भी राशन कार्ड खातर जिला सचिवालय कार्यालय जींद में पहुंची है बेचारी मर्दी पड़दी कुतरे भी, आप देख सको पैरा तो भी आती है बेचारी पाई जाए और फिर भी राशन कार्ड खातर भी पब्लिक परेशान भी देखो ये भी नहीं और पैरा तो पाई बच्चे कितने आपके? बच्चे चार छोरी बिहार की छोरे कुआरी और बच्चे भी दिमागदार जी दिमाग काम नहीं करता जी उनका जी और पढ़ाई है जी उनका काम करने जो के तो नहीं है जी मैं मेरा आदमी जी एक्सीडेंट होया बैठा जी खाट पाई के खावा मेरा दिन है यही समस्या जी लंबी चौड़ी समस्या यही है परिवार गुजारा कैसे होगा राशन कार्ड के
अनेक फायदे हुए मिले नहीं जी। गरीब पीछे है जो अमीर है वे ले रहे मैं कट रहा है जी जमा इसको काट दिया कि मेरा भी बीपीएल मत था जी अच्छा ये भी अलग अलग कैटेगरी के बना दिए मतलब इस पर इस रंग पर के मिलने के दाने दाने मिलेंगे दाने दाने चीनी तो पत्ती कुछ नहीं कुछ नहीं ये सब तो नीचे लेवल का है अच्छा इसमें मिलेगा 35 किलो गेहूं और 2 किलो तेल और चीनी 1 किलो और इस पर पीला पके जी इस पर तेल नहीं मिलेगा इस पर तेल नहीं मिलेगा और इस पर 5 किलो गेहूं पर बंदा इस पर मिला तो भाई आड़ा भी देख सको आप राशन काड़ा में भी चारा पट रहा है आड़ा को सा नहर का पानी आना है भाई और सुनो यो गुलाबी तो बढ़ा दिया पर इस पर किमें मिलता तो को नहीं यो गुलाबी बढ़ा दिया इस पर किमें मिलना तो गुलाबी बढ़ा हो पीला बढ़ा हो नबेरा गुलाबी बढ़ा हो गुलाबी बढ़ा हो और फिर भी गुलाबी पे कुछ गुलाबी पे कुछ नहीं मिलता इन बच्चा ने कुकर खाए बहुत मरा 15 साल अभी जैसे कि हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं और मंत्रीगण भी हैं उनको अपनी तरफ से हमारी न्यूज की तरफ मतलब माध्यम से क्या संदेश देना चाहो हम यो संदेश देना चाहो तो ये सारी दुनिया के काट दो और नहीं तो सब तो दे दो एक देखिए इसी स्थिति भी है बेचारे के जिन साल रोटी बोर्ड खातर चूने को नहीं उनके छोटे छोटे बालक भूखे मरे कम से कम इसके सहारे रोटी तो खोकर खुआ दे अपने बालक नहीं ये इतने क्यों मिला है या तो सबके काट दो बंद कर दो योजना फिर सबके काटने चाहिए फिर सारा ने क्यों एसपी को दरखास्त दिया देखा जी फिर इसमें मेरा वर्गा कोई नकम्मा भी आ जाता है जो किसी को दूसरा का कुछ पोषण नहीं देता कौन खा रहा है देना चाहिए जी फिर इतना दिहाड़ी मजदूरी का क्या नहीं भी इतना रोड देता है क्या की बनावा जी जा कुछ साधन नहीं पाओगा तो ना के खावांगे 15 साल का मेरा आदमी ऐसे उल्टा छोरा मेरे याना बेटियां का मेरा घर भराई चिन्ह टेल भी नहीं मिला मैंने मैं कुकर मेरे बच्चे ना पालूंगी कल्ली जो नहीं मैं घर चलाने वाली बहुत बड़ी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइयो उसके दौरान राशन कार्ड उनमें भी गड़बड़ी गड़बड़ी छोटी नहीं बड़ी गड़बड़ी पीला बना दिया गुलाबी बना दिया उन पर जो चीज मिलनी चाहिए वही न मिलन नहीं लग रही तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइयो इन्हें करना क्या चाहिए भाई वक्ता के निजी विचार ही हमारा इनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है अगर हमारे जय जोन जैक्सन।